हेलो एवरीवन। सो दिस इज अमित रंजन एंड आज के सेशन में हम इंटरफेरेंस के कुछ क्वेश्चन जो हैं मतलब उनको यहाँ पे करेंगे। जो ये रिवीजन क्विज चलेगा, रूल्स विल रिमेन सेम कि यहाँ पे यू विल गेट 10 क्वेश्चन, आपको टोटल 10 क्वेश्चन मिलेंगे। इन 10 क्वेश्चन में से आपके सॉरी क्या सो इन 10 क्वेश्चन में से आपको जो होंगे टोटल 5 MCQs मिलने वाले हैं, ठीक है, 3 MSQs मिलने वाले हैं और उसके बाद आपको 2 NET मिलेंगे, ठीक है। मार्किंग किसी सेम रहेगी, यहाँ पे अगर आपने सही आंसर दिया +2 कर लेना, गलत आंसर दिया -2/3 कर लेना। और प्लीज़ हर क्वेश्चन को करना कैसे, जैसे ही आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखे पॉज करना वीडियो को, पहले ट्राई करना, उसके बाद फिर आप आगे बढ़ोगे, ठीक है। MSQ जो क्वेश्चन, इसमें +2 करना है और यहाँ पे 0 करना है, और NET टाइप क्वेश्चन है तो यहाँ पे आपको +2 करना और फिर से यहाँ पे 0 करना, ठीक है। ओके, सो आई थिंक वी शुड स्टार्ट। रूल्स आपको पहले से ही पता, तो हर बार मैं स्क्रीन पे जैसे ही क्वेश्चन देखे आप प्लीज़ वीडियो को पॉज कर लेना कुछ देर के लिए, ठीक है, और उसके बाद पहले अटेम्प्ट करना, उसके बाद फिर आखिरी में जो है जैसे क्विज खत्म होगा आखिरी में आपको मार्क्स जो है कमेंट सेक्शन में लिख देने हैं, ठीक है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। सबसे और एक चीज़ है कि ये QR कोड जो ना आप इसको स्कैन करके मेरे अनअकैडमी प्रोफाइल को विजिट कर सकते हो, जाके देखो कौन कौन से कोर्सेज चल रहे हैं, कौन से नहीं चल रहे हैं, ठीक है, कौन से कोर्सेज को जो फ्री वाले हैं, पेड वाले हैं, देखो वहाँ पे बहुत बहुत सारे कोर्सेज हैं जो कि आपके IIT, अगर इवन आप फ्री क्लासेस भी ढंग से अटेंड कर लो तो शायद IIT जाम बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। पेड वाले कोर्सेज तो हैं अनअकैडमी प्लस के लिए, तो अगर आपको फ्री क्लासेस देखने हैं तो यू कैन यूज़ दिस रेफरल कोड या इन्विटेशन कोड, जो इसको अगर आप यूज़ करोगे तो आप फ्री क्लासेज जो उनको एक्सेस कर सकते हो, कोई पैसे नहीं देने हैं आपने, ठीक है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, इन अ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द सेंटर ऑफ ब्राइट फ्रिंज अकर्स व्हेनेवर वेव्स फ्रॉम द स्लिट डिफर इन द डिस्टेंस बाय अ ट्रेवल दे ट्रेवल बाय अ मल्टीपल ऑफ, मतलब सिंपली आपसे क्या पूछा कि पाथ डिफरेंस जो होता है उसका वो कितना होना चाहिए, तो आपको पता है पहले आंसर देना उसके बाद फिर वीडियो को पॉज कर लो फिर आंसर दो, ठीक है। सो आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। सो द राइट आंसर विल बी कि अ वेव लेंथ, मतलब आपका होता क्या, डेल्टा एक्स शुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा, डेल्टा एक्स शुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा, सो द राइट आंसर विल बी डी, डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगर आपने सही किया तो +2 कर लेना, गलत किया तो प्लीज -2/3 कर लेना। ओके फाइन, अगला क्वेश्चन है, टू लाइट सोर्सेज आर सेड टू बी कोहेरेंट, दो लाइट सोर्सेज कोहेरेंट कब होते हैं, आर ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड, आर सेम फ्रीक्वेंसी एंड देयर हैव कॉन्स्टेंट फेज डिफरेंस, आर ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी ओनली, उसका हर ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी एंड मेंटेन अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है सेम एम्पलीट्यूड नहीं, सो द राइट आंसर विल बी दे शुड हैव सेम फ्रीक्वेंसी एंड मेंटेन अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस, सो इसका आंसर जो होगा वो भी डी ही होगा। अच्छा, इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द स्लिट सेपरेशन इज डबल्ड, आपसे पूछा कि स्लिट सेपरेशन जो डबल करना है आपको, ठीक है, टू मेंटेन द सेम फ्रिंज स्पेसिंग ऑन द स्क्रीन, द स्क्रीन ऑफ डबल स्लिट इज द स्क्रीन ऑफ स्लिट डिस्टेंस, मतलब देखो सीधी सी बात है कि आपको पता नहीं चाहिए कि बीटा, मतलब आपको बोला कि बीटा को सेम रखना है, तो अगर बीटा को आप सेम रखोगे तो उस केस में क्या होता है, आपको पता है कि अगर आप डी को डबल कर देते हो, डी को डबल करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस डी को, इसको भी आपको डबल कर देना पड़ेगा, यही ना, बिकॉज अगर आपको याद हो बीटा दैट इज लैम्डा डी डिवाइडेड बाई डी, शायद मैंने सही लिखा होगी, मतलब एनीवे एक डी ऊपर होता है एक डी नीचे होता है, इतना याद रखो, ठीक है, जब आप सॉल्व करोगे तो प्लीज सही फॉर्मूला यूज करना। ओके, सो इसका मतलब ये कि अगर आप इसको डबल करते हो और आपको सेम रखना तो आपको डी को भी क्या करना पड़ेगा, 2D करना पड़ेगा, यस, सो द राइट आंसर विल बी बी, बी जो होगा ये इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 4 की तरफ बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस के लिए यहाँ पे कौन सा जो है सही नहीं है, इंटरफेरेंस कैन बी कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव, इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव हो सकते हैं, इंटरफेरेंस आर नॉट ट्रू है, थोड़ा ध्यान से देखना यहाँ पे, इंटरफेरेंस ऑफ टू वेव्स एट अ गिवन लोकेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू वेव पैटर्न विच हैज सिमिलर स्मॉलर एम्पलीट्यूड देन ईदर ऑफ द टू इंटरफेयरिंग फ्री वेव्स, उसके बाद द इंटरफेरेंस इज नॉट सिग्निफिकेंट इफ एम्पलीट्यूड ऑफ वन इंटरफेयरिंग वेव इज वेरी लार्ज कंपेयर टू द एम्पलीट्यूड ऑफ अदर, इंटरफेरेंस अकर्स व्हेन टू और मोर वेव्स मीट वाइल ट्रैवलिंग अलॉन्ग सेम मीडियम, तो सॉरी एक बार ऑप्शन चेंज कर लो, ये बी होगा, ये सी होगा, ये डी होगा, ठीक है। ओके, सो आई होप वीडियो को पॉज करके एक बार सोच के जरा आंसर देना इसका, उसके बाद, ठीक है, उसके बाद फिर वीडियो को कंटिन्यू करना। ओके, सो द राइट आंसर शुड बी बी, बी जो होगा ये सही होगा, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता कि गिवन लोकेशन रिजल्ट इन फॉर्मेशन एंड न्यू वेव पैटर्न विच इज स्मॉलर एम्पलीट्यूड, ऐसा कुछ नहीं होता इंटरफेरेंस में, ठीक है। सो द राइट आंसर विल बी, यहाँ पे नॉट ट्रू पूछा इसलिए, सो द राइट आंसर विल बी, थोड़ा ध्यान से देखना यहाँ पे, ऐसे नॉट ट्रू में कभी कभी हम फंस जाते हैं, सुबह जैसे फंस जाते हैं। टू कोहरेंट मोनोक्रोमेटिक सोर्सेज बीम, मोनोक्रोमेटिक लाइट बीम ऑफ इंटेंसिटीज आई एंड फोर आई, याद रखना ये आई एंड फोर आई, दे आर सुपर इम्पोज्ड द मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉसिबल इंटेंसिटीज इन द रिजल्टिंग बीम आर, कि आपको बोला कि आई और फोर आई इंटेंसिटी के कुछ बीम्स हैं, बीम जो हैं ये आपके इंटरफेयर कर रहे हैं, सो इन दैट केस आपके मैक्सिमम और सॉरी आपके क्या पूछा कि व्हाट शुड बी द मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉसिबल इंटेंसिटी, तो उस केस में क्या होता है, अगर एक की इंटेंसिटी 4 आई या दूसरे की इंटेंसिटी आई है तो आपको पता होता है कि आई मैक्स क्या होता है,
आई मैक्स दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आई वन, ठीक है, प्लस अंडर रूट ऑफ आई टू, और उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा आर सिंपल, हाँ अंडर रूट ऑफ आई वन प्लस आई टू का होल स्क्वायर, एक केस में ये हो जाता है, और आई मीन क्या, आई मीन की वैल्यू क्या हो जाती है अंडर रूट ऑफ आई वन माइनस अंडर रूट ऑफ आई टू का होल स्क्वायर, राइट। सो अंडर रूट जब आप लोगे इसका, सो पहले वाले का क्या हो जाएगा वन प्लस टू का स्क्वायर, मतलब क्या हो गया ये थ्री आई, राइट, टू का स्क्वायर, या सो वन प्लस टू का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू नाइन आई, सॉरी, और उसके बाद जब आप इसको लोगे तो ये क्या हो जाएगा फोर आई, मतलब टू आई माइनस आई का होल स्क्वायर, राइट, मतलब दिस विल बी सिंपली टू आई माइनस आई का होल स्क्वायर, दैट विल बी सिंपली आई, ठीक है, यहाँ पे रूट होगा सब में, सॉरी, या दिस देयर विल बी रूट, सो द आंसर विल बी नाइन आई एंड आई, यस, सो डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। आई होप मैंने सही किया इसमें, कोई गड़बड़ नहीं करी, ठीक है, ओके। सो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा क्वेश्चन जो है एनएटी का क्वेश्चन है, कैलकुलेट द विड्थ, फिर से वही ध्यान रखना कि अगर आपका प्लस सही है तो प्लस टू, गलत है तो जीरो, ठीक है। कैलकुलेट द विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इफ लाइट ऑफ 9000 एंगस्ट्रॉम इंसिडेंट अपॉन अ स्लिट ऑफ विड्थ 1.5 mm, स्क्रीन इज केप्ट 150 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द स्लिट। मतलब आपसे पूछा कि सेंट्रल मैक्सिमा जो होगी उसकी विड्थ जो होगी वो क्या होगी, ठीक है। तो सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ आपको पता है फ्रिंज विड्थ कितना होता है, लैम्डा डी डिवाइडेड बाई डी, अभी थोड़ी देर पहले किया। सेंट्रल विड्थ क्या होता है, इसका डबल होता है, ठीक है। सो आप रखो यहाँ पे 2d की वैल्यू कितनी है 150 सेंटीमीटर, मतलब 1.50 मीटर, लैम्डा की जो वैल्यू 9000 इंटू 10 पर 10 माइनस 10 सॉरी, और यहाँ पे क्या हो गया d d की वैल्यू कितनी है 1.5 mm, मतलब 1.5 इंटू 10 पर माइनस 3। जब आप इसको पूरा सॉल्व कर लोगे तो आपको विड्थ जो मिल जाएगी, विड्थ दैट इज इक्वल टू 1.8 mm, ठीक है। सो द राइट आंसर इज 1.8 mm, ठीक है। इसको ऐसे भी दिया जा सकता था कि दैट इज इक्वल टू अल्फा इंटू 10 पर माइनस 3 मीटर, तो उस केस में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा। तो एनएटी में इस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं बहुत आराम से, ठीक है। सो एनएटी का क्वेश्चन नंबर वन ये था। क्वेश्चन नंबर टू की तरफ बढ़ते हैं। द पाथ डिफरेंस बिटवीन टू इंटरफेयरिंग वेव्स एट अ पॉइंट ऑन द स्क्रीन इज एल बाई सी, द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट एंड दैट द सेंटर ब्राइट फ्रिंज विल बी। मतलब आपसे क्या पूछा कि सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज और इसका रेशियो क्या होगा। आपको पता है सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज का रेशियो क्या होता है, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज हमेशा क्या होता है 4I0 होता है। अब बात ये होगी उस पॉइंट पे, एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट आपकी इंटेंसिटी जो होगी वो क्या होगी। तो आपको पता है देखो यहाँ पे आपका फेज डिफरेंस जो गिवन है, पाथ डिफरेंस जो गिवन है लैम्डा बाय 6, पाथ डिफरेंस जो गिवन है दैट इज लैम्डा बाय 6, तो आपका फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा। अगर मैं फेज डिफरेंस की बात करूं दैट इज इक्वल टू पाई बाय 3, ठीक है, ये आपको पता है, ठीक है, कि अगर लैम्डा का फेज डिफरेंस हो तो 2 पाई होता है। तो सिमिलरली उसके यूनिटरी मेथड से आप फाइंड कर सकते हो कि दैट शुड बी पाई बाय 3। तो अब आपसे पूछा कि इंटेंसिटी उस पॉइंट पे क्या होगी, तो इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आई वन का स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ आई टू का स्क्वायर, राइट, और उसके बाद प्लस क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट ऑफ आई वन आई टू, उसके बाद कॉस 5, ठीक है। ये पूरा आप कैलकुलेट कर लो, आई वन की वैल्यू कितनी है टू इंटरफेरिंग, हाँ तो ये दोनों सेम ही होगा यहाँ पे चुकी, सो दैट इज इक्वल टू आई नॉट प्लस टू आई नॉट, उसका कॉस 5 का मतलब क्या, कॉस 5 बाई 3, कॉस 5 बाई 3 की वैल्यू 1/2, मतलब दिस विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स आई नॉट। तो आपका रेशियो क्या हो जाएगा 3I0 डिवाइडेड बाई 4I0, तो द राइट आंसर विल बी 0.75, ठीक है। सो प्लीज चेक कर लेना इसको, सो 0.75 विल बी द राइट आंसर। दो एनएटी थे, दोनों एनएटी खत्म हो गए। अब आपका आपके आते हैं MSQs पे, MSQs में भी सेम रूल चलेगा आपका, प्लस टू एंड जीरो, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें। अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म विद व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइट के साथ आपने यंग्स डबल स्लिट को ये परफॉर्म किया, तो इन दैट केस इन चारों में से कौन सा सही होगा, ठीक है। सो प्लीज वीडियो को पॉज कर लो, पॉज करने के बाद दोबारा से आप वापस आओ। सेंट्रल फ्रिंज विल बी ब्राइट, यस बिल्कुल, एब्सोल्युटली ट्रू। देयर वोंट बी एनी डार्क फ्रिंजेस, बिल्कुल सही, यहाँ पे कोई डार्क फ्रिंजेस नहीं होते। फ्रिंज नेक्स्ट टू ब्राइट विल बी वायलेट, यस, इसकी वैल्यू क्योंकि ये लैम्डा पे डिपेंड करता है, जितना ज्यादा लैम्डा जो होगा, यस, एंड द फ्रिंज नेक्स्ट विल बी रेड, बिल्कुल नहीं, अगर ऑब्वियसली अगर वायलेट है तो रेड कभी हो नहीं सकता, ठीक है। सो आई होप आपने पढ़ लिया होगा ये, सो द राइट आंसर विल बी ए बी एंड सी, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे दिया हुआ फोर लाइट्स ऑफ वेव आर रिप्रेजेंटेड बाय दिस, चार वेव जो है उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हो, वाई दैट इज इक्वल टू ए वन साइन ओमेगा टी, वाई दैट इज इक्वल टू ए वन साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा, वाई दैट इज इक्वल टू ए टू साइन टू ओमेगा टी एंड वाई दैट इज इक्वल टू ए टू साइन टू ओमेगा टी प्लस डेल्टा। आपसे पूछा इंटरफेरेंस फ्रिंजेस मे बी ऑब्जर्व ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ, इंटरफेरेंस फ्रिंजेस जो है किनके सुपरपोजिशन से जनरेट होगा, 2 and 4, 1 and 3, 3 and 4 एंड 1 and 4। तो सबसे पहले देखो एम्पलीट्यूड इक्वल है, फ्रीक्वेंसी जो इनकी इक्वल है और कांस्टेंट फेज डिफरेंस, तो यस एक और दो जो होगा आपका बनाएगा, तो एक तो यहां पे कॉम्बिनेशन बन रहा है, इसका इसका नहीं बन सकता क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी अलग है, डिफरेंट है। इसका इसका बन सकता है क्या, देखो फ्रीक्वेंसी सेम है 2 ओमेगा टी 2 ओमेगा टी और कांस्टेंट फेज डिफरेंस है 2 डेल्टा, राइट, तो इसका मतलब 3 और 4 जो है ये भी बनाएगा। 1 और 3 बनाएगा क्या, 1 और 3 नहीं बनाएगा, 2 and 4 नहीं बनाएगा, और कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। सो द राइट आंसर विल बी विद द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 and 4, नहीं नहीं 3 and 4 कहीं पे है क्या, या 3 and 4 ये एक बनाएगा, और उसके बाद 1 and 2 ऑप्शन में नहीं है, तो आप इसको कर सकते छोड़ो, इसका मतलब सिर्फ बी से ही बनेगा, यहाँ पे और कोई कॉम्बिनेशन है नहीं, चूंकि ये 1 and 3 दिया हुआ है, 2 and 4 नहीं दिया हुआ है, या
सो वन एंड टू के कॉम्बिनेशन से बनेगा और वन एंड टू यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है. सो ओनली आंसर विल बी बी जो होगा ये इकलौता इसका आंसर होगा. ठीक है. हाँ अगर कोई ऑप्शन ऐसा होता कि वन एंड टू से तो यस वन एंड टू अगर होता तो वो सही जाता आपका. ठीक है. ओके फाइन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. अगला क्वेश्चन कहता है कि हाइगन प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स में बी यूज टू. हाइगन प्रिंसिपल का जो सेकेंडरी वेवलेट का जो इक्वेशन है प्रिंसिपल है वो क्या कर सकता. फाइन एक्सप्लेन द पार्टिकल बिहेवियर ऑफ लाइट. नहीं बिल्कुल नहीं. ठीक है. फाइंड द न्यू पोजिशन ऑफ वेव. यस बिल्कुल. एक्सप्लेन लेंस लॉ. यस. फाइंड द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम. बिल्कुल नहीं. ठीक है. सो द राइट आंसर विल बी बी एंड सी. बी और सी जो है इसका राइट आंसर जाएगा. ठीक है. सो प्लीज जाते जाते आप लोग अपने मार्क्स जो है कमेंट सेक्शन में लिख देना. जितने मार्क्स आए प्लीज बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ. कमेंट सेक्शन में वो मार्क्स जो है लिखना. अच्छा ये याद रखना ये इंटरफेरेंस का पार्ट वन था. ये पार्ट वन क्विज था. इसका पार्ट टू और पार्ट थ्री जो होगा वो भी आपका आएगा थोड़े हायर लेवल के साथ. ठीक है. सो मिलते जल्दी. तब तक के लिए टाटा टेक केयर बाय बाय एंड गॉड ब्लेस.